नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हमारे प्रिय दोस्तों, आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और आप सभी के सारे कार्य परमात्मा पूर्ण करें, खुश रहें, ऐसी से प्रार्थना करते हुए आप सभी के लिए स्वप्न फल बताने के लिए एक बार फिर से मैं उपस्थित हूँ दोस्तों। और स्वप्न तो हर कोई देखता है और अपने स्वप्न का फल जानने के लिए हर कोई बेचैन सा भी रहता है, या फिर जो सपना हमने देखा है वो हमारे निकट जीवन में हमें क्या फल देने वाला है। तो दोस्तों, हर स्वप्न हमारे जीवन से तो जुड़ा ही होता है और अगर आपने मोर पंख देखा है तो आज हम इसकी बात करेंगे दोस्तों, इसका आखिर क्या मतलब होता है। तो दोस्तों, अगर आपने भी सपने मोर का पंख देखा है तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ स्वप्न है। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में प्यार बढ़ाने वाला है और आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण होंगे। और अगर आपका विवाह नहीं हुआ तो शीघ्रातिशीघ्र संयोग बनेगा आपके विवाह के योग का। और दोस्तों, इतना ही नहीं, ये हमारे जीवन में बड़ा उपयोगी है मोर पंख। अगर आपके नौ ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं कोई एक भी, तो आप उत्तर पूर्वी कोने में अगर मोर का पंख रखेंगे तो नौ ग्रहों की पीड़ा कम हो जाएगी। और दोस्तों, बहुत अच्छी टिप्स आपको बता रही हूँ। छोटा बच्चा होता है, बहुत जिद्दी होता है, लोग कहते हैं पता नहीं क्या हो गया है। तो दोस्तों, ऐसे बच्चे जिनमें बार बार नज़र लगती है उनके लिए है कि आप उससे बच्चे के सिर पर घुमाएं मोरपंख, भगवान का नाम कृष्ण का लेकर, शुभ होगा। और अपनी पूजा घर में गणेश लक्ष्मी के पास रखें तो इससे भी, और ऐसे रखें कि जिससे देवी लक्ष्मी का गणेश का स्पर्श हो, तो जल्दी ही धन मार्ग खुलने का ये संकेत होगा। अगर आपके कुंडली में काल सर्प दोष भी लग गया है, प्रवेश कर चुका है आपके जीवन में, तो दोस्तों आप सोमवार के दिन सात मोरपंख अपने तकिए में रखें अंदर, खोल करके खोल में और उसके कवर में अंदर रख दें और प्रतिदिन उसी तकिए पर सिर रख करके सोएं। इससे क्या होगा कि आपका काल सर्प दोष शांत हो जाएगा, जीवन में तरक्की तरक्की होगी। और दोस्तों, बहुत बढ़िया बात है कि अगर आपके पति पत्नी में मन मुटाव चल रहा है, प्यार नहीं बन रहा है, दोस्तों ऐसा करिए कि आप भगवान राधे कृष्ण की पिक लगाइए कोई बढ़िया सी तस्वीर, और वहीं पास में मोर पंख आप सजा कर रखिए, ऐसे रखिए जहाँ पर लाइट पड़ती है और आपको दिखाई दे। दोस्तों, इससे आपका प्रेम बढ़ेगा, वैवाहिक जीवन बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। बात करें वास्तु दोष की, तो दोस्तों वास्तु दोष है तो इसको ठीक करना संभव नहीं होता है, तो ये मोर पंख दूर कर सकता है। बस आप अपने दुकान के मुख्य द्वार पर ऐसा करिए, तीन मोर पंख लगाइए और ऐसे लगाइए जिससे आपके यहाँ लोग आते जाते हों, आप खुद भी निकलते हों तो उसके नीचे से आप होकर आ जाए, बहुत शुभ होगा। और मोर पंख के बहुत सारे फायदे भी हैं। पहले तो ऋषि मुनि इसकी कलम बनाकर साहित्य की रचना भी करते थे और आज भी बहुत सारे मंदिरों में मोर के पंख से पंखा बना करके भगवान को पहावा भी किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि इसमें एक विद्युत चुंबकीय गुण होता है जो हमारी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर फेंक देता है और सकारात्मक ऊर्जा को हमारे भीतर भर देता है। तो दोस्तों, ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो मोर पंख अगर आपने देखा है तो आपके लिए सब प्रकार से हितकर ही है, शुभ ही है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, आपके जागरण जीवन में भी मोर पंखा बड़ा उपयोग है, तो इसका सदुपयोग करिए और प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगे हो, अच्छा लगता हो हमारे साथ जुड़े रहना, तो भाई इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, और कर लीजिए, आगे भी आपको आपके सपने का फल बताते रहिए। तो दोस्तों, हमें इसी के साथ अनुमति दीजिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार, धन्यवाद।